नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के समीप हैं और पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बीएड के छात्र यहां धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और उनके धरना स्थल पर हम लोग मौजूद हैं और इनका समर्थन करने के लिए जाप के कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए चलिए इनसे बात करते हैं क्या मामला है। विश्वविद्यालय में और जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर हम लोग धरना पे बैठे हुए, ये वही पटना विश्वविद्यालय है जहाँ के मुख्यमंत्री भी यहीं से पढ़ के गए हैं। ये वही पटना विश्वविद्यालय जिसने 15 मुख्यमंत्री दिया, ये वही पटना विश्वविद्यालय जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का हम लोग मांग करते हैं, हमें लाठियाँ खानी पड़ती है और गोल मटोल बातें करते हैं। आप वोकेशनल कोर्स के नाम पर पहले से ही पटना विश्वविद्यालय पैसे ऐंठने का काम कर रहे, उसी तरीके से अब पटना विश्वविद्यालय अब नया जो नियम आ गया है, एक तरह से आप देख सकते हैं, मात्र 1800 रुपये फी था। पहले 1800 रुपये फी था, उसको बढ़ाकर आप 1.5 लाख किए और जब लोग विरोध करना शुरू किया तो फिर आप 25,000 कर दिए। और ये एक सिर्फ पटना विश्वविद्यालय की बात नहीं है, आप बिहार के तमाम बीएड कॉलेज की बात करिए, वहाँ पर फी बेतहाशा बढ़ती जाती है, हमेशा बढ़ती है, 1.5 लाख 2 लाख सबका अलग अलग फी है। इसको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। आप समझ सकते हैं यहाँ के शिक्षा मंत्री जो है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, बस यहाँ शराब 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 बस उसी पर चर्चा होती है। लोग सरकार कैसे बनाएंगे, क्या करें क्या नहीं, नई शिक्षा नीति पर बात नहीं होती है, शिक्षा पर तो बात जीरो हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, हमारी 5 सूत्री मांगे भी है, मगध महिला कॉलेज है हमारा, वहाँ पे ओवरब्रिज नहीं बना जिसके कारण लड़कियों को हमेशा परेशानी होती है, तो उसके लिए भी हम लोग बैठे हुए हैं। और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, ये अनिश्चितकालीन हम लोग बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अगर यहाँ पर शिक्षा मंत्री आते हैं बीसी आते हैं तब हम नहीं उठेंगे। देखिए, लगातार सरकार दारू खोजने में लग गई है। बिहार की नीतीश सरकार रात बिरात दारू के लिए रेड पे रेड। उनको लगता है कि अगर दारू बंद हो जाएगा तो बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले, आज उसी विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं और इतनी लाचारी हो गई है कि हम लोग मरने की तैयारी के साथ आज पटना विश्वविद्यालय मुख द्वार पर बैठ चुके हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। बीएड की फीस 1800 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। आखिर आप बताइए कि गरीब वंचित किसान, रिक्शा ठेला पाव भाजी वाला, चना बेचने वाला, टमटम चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला, चाय बेचने वाला का बच्चा आखिर कहाँ पढ़ेगा? ये नई शिक्षा नीति में इन लोगों के लिए जगह आखिर कहाँ है? नीतीश कुमार जी, आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हम लोग फ्री कर देंगे, क्या यही शिक्षा फ्री है कि 1800 से 25,000 रुपया कर दिया जाए? ये पूरी तरह से शिक्षा नीति को बर्बाद करने का एक नया एजेंडा है और बिहार के गरीब मजदूर परिवार के छात्र छात्राएं हायर एजुकेशन में नहीं जा पाए, इसके लिए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया जाए कि कोई गरीब का बाल बच्चा पढ़कर आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, आगे का जीवन अपना ठीक ना कर सके। इसीलिए नीतीश कुमार जी, और हम तो कहेंगे शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार जी कि सिर्फ दारू पे समीक्षा है, न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे। बिहार बर्बाद हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था गिर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो चुका है। अगर आपको लगता है कि दारू को खोल कर ये सुधार कर हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और आपकी सरकार गिरेगी। बीएड के छात्र तो बहुत पहले से पीड़ित हैं, सरकार के द्वारा भी और तथा विश्वविद्यालय के द्वारा भी, लेकिन आप छात्र नेता हैं जाप के, तो जाप के द्वारा आगे आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी? आज तो धरना है, इसके बाद देखिए, लगातार मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी हूँ जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, और लगातार जाप पूरे बिहार में छात्र हितों के मुद्दों को लेकर आंदोलन करती आई है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हम अपने साथियों के साथ बैठ चुके हैं। अगर हम स्थिति देखेंगे, अगर हमारी मांगों को यहाँ से नहीं मांगा जाएगा, हम लोग आगे राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन इस फीस वृद्धि को वापस करवा कर रहेंगे। आपने सुना और इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन धरने पे ये बैठे हुए हैं, जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती तब तक ये अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे ही रहेंगे। आप देखते रहें बोले बिहार।